फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। सो इफ यू आर आल्सो टारगेटिंग DSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक TGT PGT एग्जाम्स, यू जस्ट नीड टू गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन हैव ऑल द रीसेंट एंड करंट अपडेट्स रिलेटेड टू दैट एग्जाम। ऑल्सो देयर वुड बी अपकमिंग वैकेंसीज वेरी सून, सो इफ यू आर नॉट started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Cotton wax, a natural substance that is present in. So आपको बताना है कि जो cotton wax है वो एक natural substance है, वो आपका किसमें present होता है या फिर किसमें पाया जाता है। तो देखते हैं, आगे चलते हैं options की तरफ। In small quantities on the raw cotton fiber and make it water resistant is removed by. Basically आपको बताना है कि वो एक small quantities के अंदर raw cotton fiber में present होता है और उससे वो water resistant बन जाता है। तो वो किसे रिमूव हो सकता है, कौन है जो उसे रिमूव कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रिपिंग, ऑप्शन बी केमिकल्स, ऑप्शन सी स्टीमिंग, ऑप्शन डी है स्काउरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। स्काउरिंग एक मेथड है जिससे वो रिमूव किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। डैश इज अ टर्म यूज्ड बाय वूल सॉर्टर्स फॉर शॉर्ट स्टेपल टेकन फ्रॉम द अंडर नेक एंड बेली पार्ट्स ऑफ द फ्लीस। एक ऐसी टर्म आपको यूज करनी है जो वूल सॉर्टर्स के लिए आप यूज करते हैं, वूल को सॉर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। शॉर्ट स्टेपल टेकन फ्रॉम द अंडर नेक, जो भी आपने अंडर नेक से शॉर्ट स्टेपल्स लिए हैं और बेली पार्ट ऑफ द फ्लीस से लिया है, तो स्मॉल्स, थ्रो अवेज, ब्रोक्स या फिर बिट्स, क्या बोला जाएगा उस पार्ट को? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोक्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। अ वेराइटी ऑफ लॉन्ग स्टेपल, ये एक लॉन्ग स्टेपल की वेराइटी है। अ प्लांट कॉटन है जो ग्रोन होती है अलॉन्ग विद द मिसिसिपी रिवर इन यूएस, यूएस में मिसिसिपी रिवर के पास ये ग्रो की जाती है। एंड सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड, तो उसके ट्रिब्यूटरीज के साथ ही उसको क्या कहा जाता है? वैली कॉटन, हक कॉटन, रिवर कॉटन या फिर सिपी कॉटन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैली कॉटन। ये मिसिसिपी रिवर के पास मिलती है और काफी लॉन्ग स्टेपल होते हैं इसके, अपलैंड होती है कॉटन से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। फाइबर दैट इज 0.01 डीनियर पर फिलामेंट ऑफ लेस इज कॉल्ड, आपसे पूछा जा रहा है जिस फाइबर का डीनियर पर लेंथ होती है 0.01, वो उससे कम होती है या उतनी होती है, उस फाइबर को क्या बोला जाता है? अल्ट्रा फाइबर, अल्टीमेट फाइबर, अल्ट्रासोनिक फाइबर या फिर अल्ट्रा फाइन फाइबर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अल्ट्रा फाइन फाइबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फाइव। Which of the following is a term for straight lustrous fibers? ये एक straight और lustrous fiber होता है, generally found in the wool. Wool from sheep से मिलता है, that has been badly bred or poorly fed. या तो वो badly bred है या फिर poorly fed है। तो जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे कि कौन सी टर्म यूज की जाती है, gans, garber, gear या फिर garlix? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, gear को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। Which of the following is a general term for waterproof fabric? आपसे पूछा जा रहा है कि waterproof fabric है, आप उसके लिए कौन सी टर्म यूज करेंगे? Imberline, tarnate, canvas या फिर tarpaulin? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, tarpaulin को हम एक waterproof fabric भी कहते हैं। आगे देखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैन्युफैक्चर्ड फिलामेंट या फिर स्टेपल फाइबर, आपसे पूछा जा रहा है कि या तो मैन्युफैक्चर्ड फिलामेंट या फिर स्टेपल फाइबर दैट हैज बीन कलर्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग पिगमेंट्स इन द मेल्ट, इसको कलर किया जा रहा है इनकॉर्पोरेट करके, क्या पिगमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, और पॉलीमर सोल्यूशन फ्रॉम विच दे आर एक्सट्रूडेड आर कॉल्ड, पॉलीमर सोल्यूशन से इसको एक्सट्रूड किया जा रहा है तो इन्हें क्या कहा जाता है? प्री प्रोडक्शन पिगमेंटेड, डाई एक्सट्रूडेड, पॉलीमर पिगमेंटेड या फिर प्रोड्यूसर कलर्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसको बोला जाता है प्रोड्यूसर कलर्ड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। डैश इज अ ब्राउनिश ब्लैक टफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द जैगरी पाम, ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का फाइबर होता है जो जैगरी पाम से मिलता है। इसके यूजेस क्या क्या है? स्क्रबिंग, हॉर्स एंड ब्रिलरी ब्रशेस, लार्ज केबल्स फॉर टाइंग अप शिप्स एटसेट्रा, इसका क्या नाम है इस फाइबर का? पीरी, पीला, कितुल, बीटल, जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर है कितुल।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डैश इज अ गोल्ड एंड सिल्वर वायर थ्रेड मेड इन इंडिया यूज्ड इन वीविंग। इंडिया में बनती है, गोल्ड और सिल्वर वायर की थ्रेड होती है और वीविंग में इस्तेमाल की जाती है, गुशो, सिलगुल, गोलबूट या फिर गोघारी। जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो गया गोशो। गोशो एक ऐसी गोल्ड और सिल्वर वायर है जो इंडिया में बनती है और वीविंग के लिए इस्तेमाल होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। द पैडल शेप टेल ऑफ अ फैट टेल्ड शीप कैन वे अप टू। आपसे पूछा जा रहा है कि एक पैडल शेप टेल होती है उसकी, जो कि एक फैट टेल्ड शीप है, उसका वेट कितना हो सकता है? 5 lbs, 10 lbs, 20 lbs और 40 lbs। करेक्ट आंसर है 40 lbs। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक टुडेस सेशन एंड इट वाज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सो कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, काइंडली गिव अ लाइक, share and spread the videos as much as possible so that you know our channel can have a lot more subscribers in the future, and these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye. He was like brothers. Donnie, you don't got it no more. I'm coming for everything. You threatening me? Let go of whatever was and walk into what is. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। सो इफ यू आर आल्सो टारगेटिंग DSSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक TGT PGT एग्जाम्स, यू जस्ट नीड टू गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन हैव ऑल द रीसेंट एंड करंट अपडेट्स रिलेटेड टू दैट एग्जाम। ऑल्सो देयर वुड बी अपकमिंग वैकेंसीज वेरी सून, सो इफ यू आर नॉट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, सो काइंडली प्रिपेयर एंड प्रेप योर सेल्फ फॉर दैट, because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. So friends, this is question number 1. Textiles can be managed by, आपसे पूछा जा रहा है कि textiles जो हैं वो कैसे manage हो सकती हैं। चलिए देखते हैं option number 1 की तरफ। Being creased, this leads to splitting of textiles. अगर हम creased देखते हैं textile को, इसकी वजह से क्या स्प्लिटिंग ऑफ टेक्सटाइल हो सकती है? नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, लाइट एंड यूवी रेडिएशंस कॉजिंग फेडिंग। लाइट और यूवी रेडिएशंस की वजह से जो फेडिंग कॉज होती है एंड सेटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हिच वीकन्स द टेक्सटाइल, क्या जो यूवी रेडिएशंस की वजह से प्रॉब्लम कॉज होती है उसकी वजह से फाइबर वीक हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी है मोल्ड, इंसेक्ट्स एंड पोल्यूटेंट्स, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल दी अबव। तो ये सारे रीजंस जो है ये कहीं ना कहीं टेक्सटाइल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन हैंडलिंग टेक्सटाइल्स, जब भी हम टेक्सटाइल्स को हैंडल करते हैं तो क्या चीजें ध्यान में रखनी है? ट्राई टू टच एज लिटल ऑफ देम एज यू कैन, आप उससे कम से कम टच करिए। Always pick them up by one part only. हमेशा एक ही जगह से उस textiles को उठाइए। Option number 2, fold them as neatly as small as possible to make handling easier. उसको सबसे ज्यादा small fold करिए, जितना fold कम कर सकते हैं।
Option number 3, ever pick them up by one corner and always support the weight of the textile evenly. हर जगह से वो evenly pick up हो, ये responsibility ensure करना आपका role है. Option number D, have clean hands. इसका correct answer हो जाएगा option number C. जब भी हम कभी textile को handle करते हैं, प्लीज उसे कहीं पर भी एक कॉर्नर से नहीं उठाएं, उसको हमेशा इक्वल सपोर्ट दें और हर जगह से इक्वल कैरी करें. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, टू लेबल अ टेक्सटाइल. अगर मुझे किसी टेक्सटाइल को लेबल करना है तो मुझे क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. सबसे पहला ऑप्शन है राइट इन परमानेंट इंक ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेक्सटाइल और ऑन द कॉलर ऑफ द कॉस्ट्यूम. या तो आप कॉस्ट्यूम में या फिर परमानेंट इंक से टेक्सटाइल में लिख सकते हैं. ऑप्शन नंबर बी है राइट इन परमानेंट इंक ऑन अ स्टिकी लेबल एंड स्टिक दिस टू द टेक्सटाइल. परमानेंट इंक से आप एक स्टिकी लेबल पे लिख लीजिए और उसे पेस्ट कर दीजिए. मशीन स्यू अ लेबल टू द टेक्सटाइल. आप मशीन से उसे स्यू कर सकते हैं. राइट द लेबल ऑन टू द कॉटन टेप एंड अटैच दिस टू द टेक्सटाइल विद वन और टू हैंड स्टिचेस. और आप उसे लेबल को लिख दीजिए कॉटन टेप के ऊपर और उसे अटैच कर दीजिए टेक्सटाइल को एक या दो हैंड स्टिचेस से. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट इन परमानेंट इंक ऑन अ स्टिकी लेबल एंड स्टिक दिस टू द टेक्सटाइल. ऑप्शन नंबर बी इसका हो गया करेक्ट आंसर. आइए देखते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपके सामने. Which of the following statement is true? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, सच कह रही है. हिस्टोरिक कॉस्ट्यूम शुड नॉट बी वॉर्न इफ यू विश टू प्रिजर्व इट. आपको हिस्टोरिक कॉस्ट्यूम नहीं पहनने चाहिए अगर आप उसे प्रिजर्व करना चाहते हैं. बॉडी ऑयल्स एंड परस्पिरेशन विल नॉट डैमेज टेक्सटाइल. आपकी बॉडी ऑयल से या फिर परस्पिरेशन स्वेट से टेक्सटाइल्स डैमेज नहीं होंगे. ऑप्शन 3 है द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ वियरिंग अ गारमेंट कैन कॉज ग्रेट डील ऑफ डैमेज. जिस स्ट्रेस और स्ट्रेन से आप उसे पहन रहे हैं उससे डैमेज हो सकता है. ऑप्शन डी है हिस्टोरिक कॉस्ट्यूम शुड बी वॉर्न ऑन फेस्टिव ओकेजंस स्पेशली इन्वॉल्विंग फूड एंड ड्रिंक. या तो उसका तरीका ये है कि आप उन्हें सिर्फ ओकेजंस में पहने ताकि आप उसे फूड और ड्रिंक से बचा सके. सो ये सारे ऑप्शंस की जगह ऑप्शन नंबर ए जो है वो ट्रू है. हिस्टोरिक कॉस्ट्यूम शुड नॉट बी वॉर्न इफ यू विश टू प्रिजर्व इट. उसका एक ही तरीका है कि आप उसे नहीं पहने अगर आप उसे लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, स्मॉल फ्लैट टेक्सटाइल्स. जो स्मॉल फ्लैट टेक्सटाइल्स हैं वो क्या होते हैं. शुड बी स्टोर्ड इन डैक्रिन सॉसेजेस. डैक्रिन सॉसेजेस में स्टोर करना चाहिए. शुड बी स्टैक्ड वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर. एक से ऊपर स्टैक करना चाहिए प्रॉपरली. शुड ऑलवेज बी रोल्ड. हमेशा रोल करना चाहिए. कैन सिंपली बी स्टोर्ड फ्लैट विद एन इंटरलीविंग इफ आइटम्स आर टू बी स्टैक्ड. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शुड बी स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ अदर. हमेशा स्टैक करके एक तरीके से आप रखेंगे अगर स्मॉल फ्लैट टेक्सटाइल्स को तो वो कभी भी खराब नहीं होते. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन रोलिंग अ लार्ज टेक्सटाइल फॉर स्टोरेज. जब भी कभी आप लार्ज टेक्सटाइल को रोल करते हैं स्टोरेज के लिए, चूज अ रोलर दैट इज लॉन्गर देन आइटम इज वाइड. तो क्या यह आंसर होना चाहिए कि आपको रोलर को लंबा चूज करना चाहिए. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है. 10 लाख की लॉटरी जीतने के लिए अभी इस लिंक पे क्लिक करें. ऐसे ही ललचाते हैं स्कैमर्स. दो चीजों का ध्यान रखें, किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक ना करें और अपनी बैंक डिटेल शेयर ना करें. इंटरनेट सेफ्टी के लिए रहो दो कदम आगे. लॉग ऑन टू गूगल सेफ्टी सेंटर. पर ए. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है. When displaying textiles, जब भी हम कभी textiles को display करते हैं, be aware that light and UV radiation are greatest enemies of textile. आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि light और UV radiation जो है वो greatest enemy है textile के लिए. Use acid free materials in the display items. आप अपने acid free material का इस्तेमाल कर सकते हैं. Ensure that your textiles are well supported. आप ensure करेंगे कि आपके जो textiles हैं वो well supported रहें. या option D, protect your textiles from fluctuation in relative humidity and temperature, dust, insects and pollutants. तो आपका option number D हो गया correct answer. हमेशा textiles को fluctuation, humidity, temperature, insects और pollutants से protect करके रखिए. आगे चलते हैं, देखते हैं question number 8. Historic costumes can be. Historic costumes और क्या कर सकते हैं. Stored on wire coat hangers. आप wire coat hanger में store कर सकते हैं. Display safely on mannequins. If mannequins are taken to modify the mannequin to the appropriate shape. Mannequins को एक appropriate shape देके उन पर रख दीजिए.
ऑप्शन सी कहता है वॉर्न रेगुलरली विद द राइट अंडरगारमेंट्स, रोज पहनी अंडरगारमेंट्स करेक्ट के साथ. ऑप्शन डी प्रोटेक्टेड इन स्टोरेज बाय हैंगिंग देम टू पैडेड हैंगर्स एंड कवरिंग देम टू कीप ऑफ डस्ट. आप उन्हें पैडेड हैंगर्स में हैंग कर सकते हैं और डस्ट से दूर रखिए. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर. आगे देखते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है. टू क्लीन टेक्सटाइल्स, अगर मुझे टेक्सटाइल्स की साफ सफाई रखनी है तो प्रोसीड विद कॉशन एंड यूज अ वैक्यूम ब्रशिंग टेक्निक. कॉशन से प्रोसीड करिए, ध्यान से रखिए और एक वैक्यूम ब्रशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करिए. ऑप्शन टू है वॉश देम इन वॉशिंग मशीन, आप वॉशिंग मशीन में धोइए. ऑप्शन थ्री यूज द फुल सक्शन ऑफ योर वैक्यूम क्लीनर टू इंश्योर यू कीप द डर्ट आउट एंड यूज कारपेट बीटर. तो इसमें से क्या ऑप्शन आप टेक्सटाइल्स को ध्यान से यूज करेंगे क्लीन करने के लिए. तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, वॉश देम इन वॉशिंग मशीन. आगे चलते हैं और देखते हैं आपका आखिरी क्वेश्चन. अ फैब्रिक इन विच अ नॉन वोवन वेब इज कम्बाइंड विद अ वोवन निटेड और स्टिच लेयर इज कॉल्ड. एक ऐसा फैब्रिक जो नॉन वोवन वेब से कम्बाइंड है, उसमें वोवन निटेड और स्टिच्ड बॉन्डेड लेबर्स हैं, तो उसे क्या कहते हैं. सप्लीमेंटेड फैब्रिक, बिल्टअप फैब्रिक, सपोर्टेड फैब्रिक या सुविकिन फैब्रिक. तो जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर. इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बिल्टअप फैब्रिक. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक टुडेज सेशन एंड इट वॉज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू. सो कीप subscribing the channel, kindly give a like, share and spread the videos as much as possible so that you know our channel can have a lot more subscribers in the future. And these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then take care. Okay, bye bye. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स. मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं. सो इफ़ यू आर ऑल्सो टारगेटिंग DSSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक TGT PGT एग्जाम्स, यू जस्ट नीड टू गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन हैव ऑल द रीसेंट एंड करंट अपडेट्स रिलेटेड टू दैट एग्जाम. ऑल्सो देयर वुड बी अपकमिंग वैकेंसीज वेरी सून. सो इफ यू आर नॉट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, सो काइंडली प्रिपेयर एंड प्रेप योर सेल्फ फॉर दैट, because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Oh, question number 1, exogamy is, exogamy kya hai? A rule stipulating that one must marry outside one's own group. आपको अपने ग्रुप के बाहर शादी करनी चाहिए. अ रूल स्टिपुलेटिंग वन मस्ट मैरी इनसाइड वंस ओन ग्रुप, आपको अपने ग्रुप के अंदर शादी करनी चाहिए. अ रूल ऑब्जर्व्ड ओनली बाय द नियर या फिर कंसिडर्ड इनसेंसुअस इन सम सोसाइटीज. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ रूल स्टिपुलेटिंग दैट वन मस्ट मैरी आउटसाइड वंस ओन group. Let's quickly move to question number 2. An important advantage of exogamy is, exogamy ka ek important advantage kya hai? It ensures that individual will marry out inside a group. Individuals jo hai wo shaadi group ke andar karenge. Individuals helps to establish economic relations with neighboring group. Aapko neighboring group ke saath economic relations establish karne mein help karta hai. It reduces the likelihood of warfare ya fir all the above. To iska correct answer ho jayega option number D, all the above. To ye sare reasons jo hain ye advantages hote hain exogamy ke. Let's quickly move to question number 3. The belief that males are spiritually superior to females is, आपको ऐसा बताना है कि ये जो बिलीफ है जिसमें मेल्स जो है वो स्पिरिचुअली सुपीरियर होते हैं फीमेल्स के, तो वो क्यों है और वो क्या है. एक्सप्रेस्ड इन क्रिश्चियनिटी, जुडिज्म एंड इस्लाम. क्या ये क्रिश्चियनिटी, जुडिज्म और इस्लाम में एक्सप्रेस किया गया. कैरेक्टराइज्ड बाय मेल डोमिनेटेड रिचुअल्स, ऑफन नॉट एक्सेप्टेड बाय वुमेन हु हैव देयर ओन जेंडर आइडियोलॉजी या फिर ऑल द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरेक्टराइज्ड बाय मेल डोमिनेटेड रिचुअल्स एंड मिथ्स. चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच स्लीप डज अ टिपिकल 9-month-old नीड. आपसे पूछा जा रहा है कि एक 9 महीने का बच्चा है उसे कितनी स्लीप चाहिए होती है. 16 आवर्स इंक्लूडिंग 12 आवर्स ओवरनाइट एंड 3 नैप्स, 14 आवर्स इंक्लूडिंग 11 आवर्स ओवरनाइट एंड 2 नैप्स, 12 आवर्स इंक्लूडिंग 11 आवर्स ओवरनाइट एंड 1 नैप या फिर 12 आवर्स. एक छोटे बच्चे को जो कि आपका
9 मंथ्स का बच्चा है, उसे कितनी स्लीप चाहिए होती है? जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 आवर्स इंक्लूडिंग 11 आवर्स ओवरनाइट एंड 2 नैप्स। बच्चे को 14 घंटे की नींद चाहिए होती है, उसमें से 11 घंटे वो रात को सोता है और 2 नैप्स लेता है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। When you can start solid baby foods like Cheerios? आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे को solid baby food Cheerios कब दे सकते हैं? 2-3 months, 4-6 months, 8-9 months, once he gets his first tooth. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 6 months तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है, सब जानते हैं, उसमें कोई भी आप सॉलिड फूड या फिर दाल का पानी, राइस का पानी आप कुछ भी नहीं देंगे। मैश्ड बनाना 6 मंथ तक only mother's milk would be given to the child and after that you can start complementary feeding. Let's quickly move to the next question. When do infants get their first tooth? Infants ko unka pehla tooth kab milta hai, kaun si age mein aata hai? 2-3 months, 4-5 months, 5-7 months ya fir 7-9 months. Iska correct answer ho jayega option number C, 5-7 months. 5-7 mahine ke bacche ko first tooth aa jata hai. Let's move to question number 8. At what age do most infant roll over? इन्फेंट जो होता है वो रोल ओवर करना सीख जाता है, वो कौन सी एज में सीखता है? 2 weeks, 2 months, 5 months या फिर 9 months? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 months। बच्चा जो होता है वो इलट उलट पुलट करता है अपनी टमी के बेसिस पे, तो रोल ओवर करना कहते हैं, वो 5 months में स्टार्ट कर देता है। Let's quickly move to question number 9. When you can switch formula fed infants to cow's milk? आपसे पूछा जा रहा है आप कब फॉर्मूला पे स्विच कर सकते हो जो की काउ मिल्क के साथ इन्फेंट को फेड किया जाता है या दिया जाता है? 9 months, 10 months, 11 months या फिर 12 months? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 9 months। बच्चे को हम स्विच फॉर्मूला कर सकते हैं इन्फेंट को 9 months की एज में। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एन इन्फेंट कैन ग्रैस्प 2 blocks एंड बैंक देम टुगेदर, हाउ ओल्ड इज ही? एक इन्फेंट है जो ग्रैस्प कर सकता है 2 blocks, मतलब 2 blocks अपने हाथ में उठा सकता है, उसको मोटर स्किल्स बोलते हैं, एंड बैंक देम टुगेदर और उन्हें बीट करता है आपस में, साउंड निकालता है, हाउ ओल्ड इज ही? वो कितने महीने का बच्चा होगा? 4 months, 5 months, 6 months या फिर 7 months? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 months। So I hope this concept is clear related to infants. So we'll meet in the next video. Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel. Kindly give a like, share and spread the videos as much as possible so that, you know, our channel can have a lot more subscribers in the future. And these videos should दिल्ली ना फुल शोशा है, फुल हाई फाई। वेडिंग में पीकॉक थीम होनी चाहिए और स्टेज एक्सोटिक फ्लावर वाला, और ब्राइड की सिस्टर का लहंगा सेलिब्रिटी वाला। कारपेट, सोफा, शैंडलियर्स सब रिच लगना चाहिए, और गेस्ट लिस्ट लगता है वीआईपी के लिए जा रहा है। चलिए चलिए, सबको चाय पिलाइए और आप सब डिनर करके जाइएगा। जी मां। लेकिन दिल्ली की सबसे रिच चीज ना दिल्ली का दिल है, बहुत रिच। ऐसी रिच दिल वाली दिल्ली के लिए हमने टाटा टी प्रीमियम भी ना रिच टेस्ट वाली बनाई है। एक प्याली रिच टेस्ट वाली, एक प्याली दिल्ली वाली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। सो इफ यू आर आल्सो टारगेटिंग DSSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक TGT PGT एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that, because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Question number 1. Which of the following statement is false with regard to domestic life? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है अगर हम डोमेस्टिक लाइफ के अकॉर्डिंग चीजें देखते हैं। डोमेस्टिक लाइफ आप ये भी कह सकते हैं आपकी होमली लाइफ। डोमेस्टिक ग्रुप्स डू नॉट ऑलवेज हैव द सम पर्सनल, इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक ग्रुप का कभी भी हर चीज बहुत ज्यादा सेम पर्सनल पे नहीं चलती। फैमिली को वेरीज विद क्लाइमेट, फैमिली वेरिएशन आते रहते हैं क्लाइमेट के साथ। डोमेस्टिक ग्रुप्स ऑलवेज इंक्लूड को रेसिडेंट मदर्स एंड चिल्ड्रन, क्या वहां पर हमेशा को रेसिडेंट मदर्स और चिल्ड्रन इंक्लूड होते हैं?
हस्बैंड एंड वाइफ डू नॉट ऑलवेज शेयर द सेम डोमिसाइल. हस्बैंड वाइफ का डोमिसाइल हो सकता है सेम ना हो. तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. डोमेस्टिक ग्रुप्स डू नॉट ऑलवेज हैव द सेम पर्सनल. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर टू. न्यूक्लियर फैमिलीज. आपको बताना है कि इसमें न्यूक्लियर फैमिलीज टर्म किस के लिए यूज की जाती है. दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन ऑल कल्चर्स. क्या वो सब इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं सारे कल्चर्स में. आर ऑर्गेनाइज्ड इन सेम वे इन ऑल कल्चर्स. सब कल्चर्स के एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होती है. आर यूनिवर्सली रिस्पॉन्सिबल फॉर डी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन. सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं. या फिर आर फाउंड इन अ मेजोरिटी ऑफ कल्चर ऑल दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स आर ऑफन मोर प्रेवलेंट. या फिर ये इतनी ज्यादा कल्चर में पाई जाती हैं लेकिन इसमें बहुत सारी और भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स जो है वो आपको मिलती है. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री. मैरिज टू मोर देन वन वाइफ इज कॉल्ड. आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपकी एक वाइफ से ज्यादा वाइफ है उस मैरिज को कौन सी मैरिज डिफाइन किया जाता है. पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी, मैट्रिलिनिटी या फिर मैट्रिफोकेलिटी. जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीगाइन. अगर आपकी मोर देन वन वाइफ है मैरिज के अंदर सो दैट टर्म इज कॉल्ड एज पॉलीगाइन. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं. पॉलीएंड्री इज. पॉलीएंड्री क्या है. वेरी कॉमन थ्रू आउट द वर्ल्ड. क्या बहुत ज्यादा कॉमन है थ्रू आउट द वर्ल्ड. फाउंड मेनली इन चाइना. चाइना में आपको मिलेगी. हेल्प्स टू प्रिवेंट द पार्टीशन ऑफ कॉर्पोरेट लैंड बाय कीपिंग द हाउस होल्ड अनडिवाइडेड. आपका जो पार्टीशन होता है कॉर्पोरेट लैंड का उसे डिवाइड करने में हेल्प करती है और सारे हाउस होल्ड्स को अनडिवाइडेड रखती है. मतलब पार्टीशन नहीं होने देती हाउस होल्ड्स में. या फिर चौथा ऑप्शन आपके सामने आ रहा है द रिजल्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ मैन. सो पॉलीएंड्री क्या होता है. पॉलीएंड्री में ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द पार्टीशन ऑफ कॉर्पोरेट लैंड बाय कीपिंग द हाउस होल्ड्स अनडिवाइडेड. पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि आपके घर अनडिवाइडेड रहेंगे और आपके जो कॉर्पोरेट लैंड है सिर्फ उसका पार्टीशन भी प्रिवेंट किया जाएगा. तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ. ये कमर दर्द. सोचा था शादी में खूब नाचूंगा. रुमालिया एक्टिव स्प्रे. ये हर्बल है और दर्द से दे 6 घंटों तक आराम. रुमालिया एक्टिव स्प्रे. ये जल्द असर करना शुरू करे और इसका असर चले 6 घंटों तक. अब तो ये डांस रुकेगा नहीं. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ आगे बढ़ते हैं. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज इन अमेरिका इज. आपसे पूछा जा रहा है कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अमेरिका में मैरिज की क्या होती है. तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे. ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं. मोनोगैमी, सीरियल मोनोगैमी, प्लूरल मोनोगैमी या फिर पॉलीगाइनी. आपसे पूछा जा रहा है कि कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज अमेरिका में क्या मानी जाती है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूरल मोनोगैमी. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी, प्लूरल मोनोगैमी. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स. वन पेरेंट डोमेस्टिक ग्रुप्स आर. अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एक ही पेरेंट का डोमेस्टिक ग्रुप है तो वो क्या होता है. एबरेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली ऑर्गेनाइजेशन. क्या एबरेंट फॉर्म्स को फैमिली ऑर्गेनाइजेशन में बोला जाता है. एज इकोनॉमिकली वायबल एज न्यूक्लियर फैमिली ग्रुप्स. तो जितना ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल है उतनी न्यूक्लियर फैमिली ग्रुप्स होंगे. दे आर एसोसिएटेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस दैट मेक लॉन्ग टर्म मैरिजेस लेस स्टेबल. बहुत ज्यादा सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ ही एसोसिएटेड है ताकि लॉन्ग टर्म मैरिजेस जो है वो लेस टेनेबल बन पाए. या फिर ऑल दी अबव. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी. ये एसोसिएट की जाती हैं सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ जो कि लॉन्ग टर्म मैरिज को लेस टेनेबल बना देती हैं. इसको वन पेरेंट डोमेस्टिक ग्रुप ही कहा जाता है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ, देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू जेंडर ऑफ रोल्स. आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या ट्रू जेंडर ऑफ रोल्स नहीं है. ऑप्शन नंबर वन, मेल्स आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर ऑन एवरेज देन फीमेल्स. क्या मेल्स फिजिकली स्ट्रॉन्गर होते हैं फीमेल से. इन मोस्ट सोसाइटी मेल्स प्रेम्ड मेजर सेंटर्स ऑफ पब्लिक पावर. क्या मेल्स जो है वो मेजर सेंटर्स होते हैं पब्लिक पावर के. मैट्रियार्कीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट बट वर ओवरथ्रोन बाय मेन. मैट्रियार्कीज पास्ट में एग्जिस्ट करती थी लेकिन ओवरथ्रो कर दिए थी मेन ने.
There are many societies without marked gender inequalities. बहुत ही ऐसी सारी societies हैं जो marked gender inequality से बनी हुई हैं. तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे. ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर. Matriarchies existed in the past but were overthrown by men. आगे देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Which of the following is a marriage universal? आपसे पूछा जा रहा है कि मैरिज यूनिवर्सल किसे कहा जाता है. ऑप्शन नंबर वन एस्टेब्लिशेस अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लेजिस्टिमेट एंड इलेजिटिमेट चाइल्ड रियरिंग. चाइल्ड रियरिंग करना मतलब चाइल्ड को पैदा करना, उसे पालन पोषण करना, तो उसमें लेजिटिमेट या फिर इलेजिटिमेट चाइल्ड रियरिंग का डिफरेंस होता है. Gives the husband exclusive access to wife's sexual services. इससे क्या हस्बैंड को सेक्सुअल सर्विसेज के लिए पूरा प्रिविलेज दिया जाता है. Establishes a joint fund of property for benefit of children, या फिर establishes reciprocal relationships and economic ties between in-laws. तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी. Establishes a joint fund of property for the benefit of children. बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन के लिए आप ऐसी जॉइंट प्रॉपर्टी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है. ब्राइड प्राइस इज, एक ब्राइड का क्या प्राइस होता है. मनी और गुड्स प्रेजेंट टू द ब्राइड बाय हर फैमिली. क्या मनी और गुड्स जो ब्राइड को उसकी फैमिली प्रेजेंट करती है. कंपनसेशन पेड डायरेक्टली टू द ग्रूम. जो भी कंपनसेशन हो रहा है क्या वो ग्रूम को डायरेक्टली पे किया जाता है. कंपनसेशन टू द फैमिली ऑफ द ग्रूम of their loss of groom's labor. Compensation दिया जाता है family of the groom को उनके labor के loss की वजह से. या फिर आपका option number D है, compensation to the family of the bride for the loss of the bride's reproductive power. ये है correct answer. Compensation दिया जाता है family को, bride को दिया जाता है family की तरफ से, क्योंकि उसका जो loss हो रहा है bride के reproductive power का, इस वजह से दिया जाता है. आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन चलता है सोशियोलॉजी का. अ डाउरी, डाउरी क्या है. कंपनसेशन टू द ब्राइड्स फैमिली फॉर लूजिंग अ डॉटर. कंपनसेशन दिया जाता है ब्राइड की फैमिली को बेटी खोने के लिए. इज ट्रांसफर ऑफ मनी और वेल्थ बाय ग्रूम्स फैमिली फॉर द लॉस ऑफ हिज लेबर. ग्रूम की फैमिली से उसके लेबर की लॉस की वजह से मनी या वेल्थ ट्रांसफर करी जाती है. इज वेल्थ रिसीव्ड बाय द ब्राइड फ्रॉम हर हस्बैंड्स फैमिली. हस्बैंड की फैमिली से ब्राइड को वेल्थ मिलती है. या फिर इज कंपनसेशन फॉर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ब्राइड वेयर वुमेन आर रिगार्डेड एज इकोनॉमिक बर्डन. या फिर ये एक ऐसा कंपनसेशन होता है जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है ब्राइड की, जहाँ पे वुमेन जो है उनको इकोनॉमिक बर्डन की तरह देखा जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी. It is a compensation for taking responsibility. क्योंकि आप responsibility लेते हैं bride की, जहाँ पर women को as an economic burden देखा जाता है, इसे कहा जाता है dowry. So this is it for today. We will welcome back friends. I hope you liked today's session and it was a fun session for all of you. So keep subscribing the channel. Kindly give a like. Share and spread the videos as much as possible so that you know our channel can have a lot more subscribers in the future. And these hello friends, welcome to my channel Home Science Insights. मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ. So if you are also targeting DSSB TGT domestic science exam and you want to crack TGT PGT exams, just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that, because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Question number one. What is the biggest thing used to clean mold and mildew from your bathroom? आपको बताना है कि इसमें से सबसे बड़ा थिंग क्या होता है जिसे आप क्लीन मोल्ड और माइल्ड्यू करते हैं अपने वॉशरूम में या बाथरूम में जहां पर आप नहाते हैं. ब्लीच, बेकिंग सोडा, डिश सोप या फिर सैलेड ड्रेसिंग. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्लीच. बेसिकली हम ब्लीच जो होती है वो क्लीन मोल्ड और माइल्ड्यू करने के लिए बाथरूम के अंदर यूज करते हैं. चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर टू. When you do laundry, by what bacteria should you separate the clothes to be washed? आपसे पूछा जा रहा है कि जब भी आप लॉन्ड्री की प्रोसेस करते हैं तो ऐसा क्या क्राइटेरिया होता है जिससे आप अपने क्लोथ्स को सेपरेट करते हैं. बेसिकली आप अपने क्लोथ्स को किस बेसिस पे सेपरेट करते हैं. By designer and fabric, आप ये देखते हैं कि designer और fabric clothes अलग अलग हो जाए. By color and fabric, color और fabric अलग करते हैं.
बाय टाइट पैंट्स टॉप्स एटसेट्रा आप अपने पैंट्स को अलग वॉश करेंगे टॉप्स को अलग वॉश करेंगे या फिर बाय फैब्रिक ओनली या फिर आप सिर्फ ये देखेंगे कि कपड़े का फैब्रिक कैसा है तो बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं उन्हें पहले वॉश करना चाहिए रादर देन डार्क कलर क्लोथ्स. हमेशा इनको सेपरेट वॉश इसलिए करना चाहिए बिकॉज लाइट कलर क्लोथ्स के ऊपर डार्क कलर क्लोथ्स के कलर्स चढ़ जाते हैं. ऑल्सो फैब्रिक आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपका कॉटन है या जो भी फैब्रिक है वॉश करने के लिए तो वो उस हिसाब से कपड़े को वॉश किया जाता है. चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट शुड यू डू विद अ पाइल ऑफ डर्ट दैट एक्युमुलेट्स ऑन द फ्लोर व्हेन यू स्वीप. जब भी आपको भी पोछा लगाते हैं आपने देखा होगा कि आपके फ्लोर के ऊपर एक पाइल ऑफ डर्ट जमा हो जाती है तो आप उसे कैसे क्लीन करते हैं. स्वीप इट अंडर द रग. आप रग जिससे पोछा लगा रहे हैं आप उसी से क्लीन कर देते हैं. रिसाइकल इट. फीड इट टू योर पेट्स. अपने पेट को खिला देते हैं या फिर स्वीप इट इनटू द डस्ट पैन. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. स्वीप इनटू टू द डस्ट पैन. आप उसे स्वीप कर लेते हैं डस्ट पैन के अंदर. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ वैक्यूम क्लीनर. क्वेश्चन नेगेटिव है. नॉट अ टाइप ऑफ वैक्यूम क्लीनर. हैंड हेल्ड सुपरसोनिक स्टिक या फिर अपराइट. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुपरसोनिक. चलिए देखिए अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स मे बी स्टोर्ड इनडेफिनेटली. कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको हम बहुत ज्यादा इनडेफिनेटली स्टोर कर देते हैं. पीनट बटर कैंड फ्रूट्स ड्राई पास्ता या फिर कैंड सूप. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी. देखिए इंडेफिनेटली का मतलब है कि आप कैसे भी उसको कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं. उसको कोई ऐसा रिक्वायरमेंट की जरूरत और अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती. पीनट बटर में आप सब जानते हैं वो थोड़ा सा बटर होता है उसके अंदर जिस वजह से वो मेल्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं. कैंड फ्रूट्स के अंदर आपकी शुगर वगैरह होती है और कैंड सूप्स में भी सेम मैटर होता है. इसी वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा ध्यान से स्टोर करना पड़ता है और कुछ टाइम के बाद उनका मॉइस्चर कंटेंट की वजह से फूड जो है वो आपका खराब हो सकता है. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी. चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6. इफ यू ईट रॉ और अंडर कुक्ड एग्स. अगर आप कच्चा अंडा या फिर रॉ अंडा खाते हैं यू मे गेट. आपको क्या हो सकता है. बॉट्यूलिनिज्म सेल्मोनीला लेप्रोसी या फिर रेबीज. जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए. ऑप्शन नंबर बी सेल्मोना सेल्मोनीला टाइफोजा. आपने सुना होगा अगर आप कभी भी कच्चा अंडा खा रहे हैं या फिर अनकुक्ड एग्स खा रहे हैं तो आपको सेल्मोनीला हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स वुड यू नॉट फाइंड इन अ डिश डिटर्जेंट. आपसे पूछा जा रहा है कि डिश डिटर्जेंट के अंदर आपको इसमें से कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं मिलेगा. सर्फेक्टेंट पैप्रिका क्लोरीन कंपाउंड या फिर कुरोजन इनहिबिटर. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैप्रिका. सर्फेक्टेंट और क्लोरीन कुरोजन कंपाउंड आपको मिलते हैं पैप्रिका आपको उसके अंदर नहीं मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 8. Why should you buy pans and pots with copper bottoms? क्यों हम pans और पॉट्स ऐसे खरीदते हैं जिनका बॉटम कॉपर का बना होता है. सो योर किचन विल लुक गुड फॉर द फोटोग्राफर फ्रॉम हाउस ब्यूटीफुल. आपकी किचन ब्यूटीफुल लगे बिकॉज कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एंड कुक्स फास्टर. कॉपर जो है वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है और फास्टर कुक करता है. दे साउंड बेटर व्हेन यू बैंग देम टुगेदर या फिर इट जस्ट लुक्स कूल. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्योंकि जो कॉपर है वो बेटर कंडक्टर है हीट का और जल्दी उसमें खाना बन जाता है. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ दीज वुड यू नॉट फाइंड ऑन अ स्पाइस रैक. आप अपने घर के स्पाइस रैक के अंदर क्या इसमें से कौन सा इंग्रेडिएंट है जो आपको नहीं मिलता. कैरावे सीड्स डिल कोरिजो या फिर नटमेग. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. कोरिजो आपको अपने स्पाइस रैक के अंदर नहीं दिखेगा. क्वेश्चन नंबर 10 फॉर द डे. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज टुडे. विच ऑफ दीज शुड यू नॉट डू वाइल आयरनिंग. कपड़े प्रेस करते टाइम आपको इसमें से क्या नहीं करना चाहिए. नॉट है क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिएगा. यूज अ प्रेस क्लोथ व्हेन आयरनिंग लेस. क्या आपको प्रेस क्लोथ यूज करना चाहिए अगर आप लेस को प्रेस कर रहे हैं. यूज स्प्रे स्टार्च बिफोर आयरनिंग. आप स्प्रे कर सकते हैं स्टार्च आयरन करने से पहले. आयरन क्लोथ्स व्हाइल दे आर ऑन योर बॉडी. क्या आपने कपड़े पहन रखे हैं तो आपको आयरन कर देना चाहिए. मेक श्योर द आयरन टेम्परेचर इज इन टू हॉट. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी. कभी भी हमें कपड़े पहन रखे हैं तो हमें आयरन नहीं करना चाहिए.
या फिर हम कह सकते हैं हमें आयरन को अवॉइड करना चाहिए. सो दिस इज इट फॉर टुडे. वी विल मीट इन. वेलकम बैक फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक टुडेज सेशन एंड इट वाज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू. सो कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, काइंडली गिव अ लाइक, share and spread the videos as much as possible so that you know our channel can have a lot more subscribers in the future, and these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स. मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं. सो इफ यू आर आल्सो टारगेटिंग DSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक TGT PGT एग्जाम्स, जस्ट नीड टू गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन हैव ऑल द रीसेंट करंट अपडेट्स रिलेटेड टू दैट एग्जाम. ऑल्सो देयर वुड बी अपकमिंग वैकेंसीज वेरी सून. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that, because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Question number 1. The aerobic activity is used by the body for exercise. Aapko batana hai ki aerobic activity kya hoti hai. Aerobic system basically is used for body exercise. Theek hai, aerobic activity ya aerobic system ko hum ye keh sakte hain ki usme oxygen ka involvement hota hai. तो देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं आपके पास. विच लास्ट फॉर लॉन्गर देन 3 मिनट्स. क्या एरोबिक सिस्टम या फिर एरोबिक लेवल्स को ये कहा जाता है कि वो 3 मिनट से ज्यादा लास्ट करते हैं. ऑप्शन बी है ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ऑप्शन सी ऑफ हाई इंटेंसिटी, या फिर ऑप्शन डी विच स्टार्ट्स आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी. बेसिकली एरोबिक एक्टिविटी में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, लेकिन वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स भी उन्हें कहा जाता है. चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. व्हाट इज द मेन एम ऑफ वार्म अप. आपसे पूछा जा रहा है कि वार्म अप करने का मेन एजेंडा या फिर मेन एम क्या पाया जाता है. टू रिड्यूस मसल टेंशन एंड मेक द बॉडी फील मोर रिलैक्स्ड. क्या हमें मसल टेंशन को कम करके बॉडी को ज्यादा रिलैक्स फील कराना होता है. टू असिस्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम टू हेल्प कंट्रोल एडिक्वेट वीनस रिटर्न एंड एडिक्वेट कार्डियक रिस्पॉन्स. बेसिकली हम अपने बॉडी को, सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्प करते हैं ताकि हम अपने नॉर्मल वीनस कंट्रोल को रिटर्न कर सकें, वापस ला सकें, और एडिक्वेट कार्डियक रिस्पॉन्स और हमारी बॉडी एक ना एडिक्वेट कार्डियक रिस्पॉन्स को देने लग जाए. ऑप्शन 3 टू प्रिपेयर द न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स पैटर्न. क्या आप न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स पैटर्न प्रिपेयर करना चाह रहे हैं. ऑप्शन 4 है टू प्रोवाइड अ कंट्रोल ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज एट द करेक्ट लेवल्स फॉर द करेक्ट टाइम. तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी. बेसिकली हम उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम को असिस्ट करते हैं ताकि हमारा वीनस कंट्रोल जो है और कार्डियक रिस्पॉन्स थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए. इसलिए ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है. व्हाट इज लैक्टिक एसिड डिफाइंड एज. आपसे पूछा जा रहा है कि लैक्टिक एसिड क्या होता है. द हाइएस्ट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अ पर्सन कैन कंज्यूम ड्यूरिंग एक्सरसाइज. क्या लैक्टिक एसिड आप जो भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उसको बोला जाता है. अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक एनर्जी प्रोडक्शन. एक एरोबिक एनर्जी का वेस्ट प्रोडक्ट को बोला जाता है. द फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस ऑन द बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज. जो आप बॉडी को फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस देते हैं क्या उसे बोला जाता है. या फिर अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक एनर्जी प्रोडक्शन. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक एनर्जी प्रोडक्शन. ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर. चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन. How long should a cool down in an absolute beginner's class be? आपसे पूछा जा रहा है कि cool down का कितने मिनट का time duration होना चाहिए. जब body warm up करती है सबसे पहले, फिर आप high intensity workouts करते हैं, उसके बाद आपको last में warm up cool down करना होता है. तो कितनी देर का होना चाहिए. 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स. अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो आपका उसमें 10 मिनट का कूल डाउन होना ही होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट सब नॉर्मल लेवल्स पर अचीव हो जाए. विच एक्सरसाइज फॉर दी गैस्ट्रोनेमिक्स मसल शुड यू इंक्लूड इन योर रूटीन.
कौन सी एक्सरसाइज आपको अपनी गैस्ट्रोनेमियस मसल्स के लिए इंक्लूड करनी चाहिए. हील रेजेस, हील को रेज करना, टो टैपिंग, अपने टो को टैप करना, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स या फिर लेटरल रेजेस. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लेटरल रेजेस. तो आपको लेटरल रेजेस जो है अपनी गैस्ट्रोनेमियस मसल्स के लिए अपने रूटीन में इंक्लूड करनी ही करनी चाहिए. चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न. What safety precautions needs to be considered when performing exercise using stretch band? तो देखिए यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें कंसिडर करने चाहिए जब भी हमें एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होती है स्ट्रेच बैंड्स के साथ. नी टाइट्स, आर्म स्ट्रेट, पेल्विस टिल्टेड या फिर शोल्डर्स लिफ्टेड. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेल्विस टिल्टेड. जब भी हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं स्ट्रेच बैंड्स को इस्तेमाल करके तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेल्विस टिल्टेड. ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. कॉन्ट्रा इंडिकेशंस टू एरोबिक एक्सरसाइज रिक्वायरिंग मेडिकल अप्रूवल इंक्लूड्स. आपसे पूछा जा रहा है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस चाहिए होते हैं हमें एरोबिक एक्सरसाइज के करते टाइम, तो वो मेडिकल से अप्रूव होने चाहिए. तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, स्मोकर्स, आफ्टर ईटिंग अ हैवी मील, अनडायग्नोस्ड इलनेस या फिर एग्जॉस्टेशन. एग्जॉस्टेशन को हम थकावट भी बोल सकते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मोकर्स. देखिए जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस के लिए उसमें मेडिकल अप्रूवल चाहिए होता है, मतलब स्मोकर्स को एक अप्रूवल लाना पड़ता है कि वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. टू इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ एन एक्सरसाइज यू शुड इंक्लूड द. अगर हमें इंटेंसिटी बढ़ानी है एक्सरसाइज की तो हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, फीट, आर्म्स, हैंड्स या फिर शोल्डर. तो आपको फीट इंक्लूड करने चाहिए. अगर आपको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है तो आपको काफ मसल्स या फिर अपने फीट को इंक्लूड करके एक्सरसाइजेस को करना चाहिए. वॉट टाइप ऑफ चार्ज डज अ न्यूट्रॉन हैव, न्यूट्रॉन हैव. सब जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है, तो उसका कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज ही नहीं होता, वो न्यूट्रल चार्ज होता है. तो इसीलिए ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं. नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एन इंटरचेंजेबल चार्ज या फिर नो इलेक्ट्रिकल चार्ज. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा है नो इलेक्ट्रिकल चार्ज. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को. लोकलाइज्ड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस टू मैकेनिकल मसाज इंक्लूड्स. आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हमें लोकलाइज्ड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देने होते हैं मैकेनिकल मसाज के अंदर तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं, ब्रूइजिंग, कैंसर, कंटेजियस डिजीज या फिर थिन क्लाइंट. तो इसमें मेन ऑप्शन जो आपको ध्यान रखना होता है वो रखना होता है ब्रूजिंग का, कि बॉडी में मसाज करते टाइम ब्रूजेस नहीं आने चाहिए, किसी को भी निशान नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो. वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक टुडेज सेशन एंड इट वाज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू. सो कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, काइंडली गिव अ लाइक, शेयर एंड स्प्रेड द वीडियोस एज मच एज पॉसिबल सो दैट यू नो अवर चैनल कैन हैव अ लॉट मोर सब्सक्राइबर्स इन द फ्यूचर. एंड दीज वीडियोज शुड एक्चुअली बी सर्व टू दोज पीपल हु रियली आर इन नीड ऑफ देम. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye-bye. No interest home loan ke liye abhi is link pe click karo. ऐसे बेवकूफ बनाते हैं स्कैमर्स. इसीलिए दो चीजों का ध्यान रखो, किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक ना करो और बैंक डिटेल्स शेयर ना करो. इंटरनेट सेफ्टी के लिए रहो दो कदम आगे. लॉग ऑन टू गूगल सेफ्टी सेंटर. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स. मैं आप सभी का अपने चैनल होम साइंस इनसाइट्स में स्वागत करती हूं. सो डीयू की तरफ से आपके लिए लगातार बहुत बड़ी खुशखबरी आती जा रही है. अभी लेडी विनर्स की लिस्ट निकली थी, अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स ने भी अपनी फोर्थ लिस्ट पीजीडीटी एजेंट सेशन 2023-24 के लिए रिलीज कर दी है. तो आगे इंटरफेस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उसमें कितने बच्चों का नाम आया है. जो एस्पायरेंट्स इस कोर्स के लिए वेट कर रहे हैं वो वेट करते रहिए, क्योंकि अभी काफी लिस्टें और निकलनी बाकी हैं. तो जिनका नाम इसमें आया है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं आया है वो प्लीज नेक्स्ट लिस्ट का वेट करते रहिए. हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के माध्यम से आपको लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज की रिकॉर्डेड वीडियो.
सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इंटरफेस, मैंने वेबसाइट ओपन करी है ihe.edu.ac.in। इसमें मैं नीचे गई हूँ नोटिसेस सेक्शन में, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट। देखिए ध्यान से, सबसे ऊपर आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट रिफ्लेक्ट हो रही है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा जो रिलीज की गई है आईएचई की तरफ से पीजी डीडीपीएचएम कोर्स के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस को और ध्यान से ध्यान देते हैं कि इस कोर्स में आखिर है क्या। तो आपकी जो पेमेंट ऑफ फीस रहेगी वो रहेगी 43,245। ये सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक, पीडीएफ का लिंक, कॉलेज की वेबसाइट का लिंक, उसके अलावा पेमेंट प्रोसेस क्या रहेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे बात करते हैं कि इसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है आपका, तो वो था 20 सितंबर से 23 सितंबर तक चलेगा वो। बाकी अगर उसके बाद आपको कॉलेज नहीं जाना, आपको कहीं पर ऑफलाइन प्रोसेस के लिए नहीं जाना, ये चीज सारा काम अपना ऑनलाइन प्रोसेस के मोड से चल रहा है। पेमेंट ऑफ फीस जो है आपकी 21 तारीख सुबह 10 बजे से लेकर, मतलब आज सुबह 10 बजे तक, आप 23 सितंबर लास्ट डेट ध्यान से नोट कर लीजिएगा, 23 सितंबर लास्ट डेट रहेगी, शाम को 5 बजे तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। आईएचई के कॉलेज से आपको एक लिंक आएगा आपके मेल आईडी पे, जिसके थ्रू आपको अपनी पेमेंट ऑफ फीस करनी होती है। एडमिशन प्रोसेस आप सब जानते हैं आईएचई में ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उनको फुलफिल करिएगा, नहीं तो डॉक्यूमेंट्स कैंसिल करे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं लिस्ट में किन किन बच्चों के नाम है। तो जनरल कैटेगरी में दो बच्चे हैं, रुचिका कौशल एंड युक्ता मेहता, ये जनरल कैटेगरी से दो बच्चों के नाम आए हुए हैं। और जनरल कैटेगरी टू में भी एक बच्ची का नाम है अदिति, तो आप अपने फादर्स नेम से मैच करके अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। बाकी अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी बीएससी का रिजल्ट अभी तक अवेटेड है या आपका बीएससी क्लियर नहीं हुआ है, फाइनल ईयर का कोई भी एग्जाम पेंडिंग है, तो आप इस एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद ही करा जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ मेंशन है कि डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपके वेबसाइट पे अपलोड हो चुके हैं, तो अगर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स होंगे तो स्टूडेंट्स जो है वो आपको करेक्ट डॉक्यूमेंट्स कॉलेज को मेल करने हैं उनका कॉल या मैसेज आने के बाद। चौथा पॉइंट यहाँ मेंशन है कि फी लिंक आपको दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से, जिसमें आपको फी पेमेंट करनी है अपनी टाइम पे। तो इस लिस्ट की लास्ट डेट है 23 सितंबर, याद रखिएगा, शाम को 5 बजे तक। एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी के हाथ में है, अगर उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट फोर्ज लगता है तो वो कैंसिल कर सकते हैं। और जो भी बच्चों का नाम पहली मेरिट लिस्ट में था वो अगली मेरिट लिस्ट के अंदर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, वो नहीं माना जाएगा, वो रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए जिस मेरिट लिस्ट में आपका नाम है उसी मेरिट लिस्ट में आप एडमिशन लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, ओरिजिनल सॉफ्ट कॉपी में आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अपने क्लास 10th के, 12th के, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, डिग्री होनी चाहिए जो आपकी ग्रेजुएशन कोर्स की, मार्कशीट आपके पास सारे सेमेस्टर की यहाँ पे मांगी गई है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका SC ST का। Hi, I'm Dr. Atamisha. Dr. Vidushi Kothari. I was hoping you and I could go out on a real date. मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहीं आती। वो मैंने बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से सबको बताना शुरू किया ना, तुम्हारा नंबर नहीं आया। Amazon शॉपिंग ऐप पे जाओ और क्लिक करो मिनी टीवी का बटन और देखो Who's Your गाना, वो भी बिल्कुल फ्री। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। सो इफ यू आर आल्सो टारगेटिंग DSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक TGT PGT एग्जाम्स, यू जस्ट नीड टू गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन हैव ऑल द रीसेंट एंड करंट अपडेट्स रिलेटेड टू दैट एग्जाम। ऑल्सो देयर वुड बी अपकमिंग वैकेंसीज वेरी सून, सो इफ यू आर नॉट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सो काइंडली प्रिपेयर एंड प्रेप योर सेल्फ फॉर दैट, because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Question number 1. A line where collar is joined to neck. आपको बताना है कि ऐसी कौन सी लाइन होती है जहां पर कॉलर जो है वो नेक के लिए ज्वाइन होता है। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, रोल लाइन, कॉलर लाइन, नेक लाइन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेक लाइन, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। A stitch does not have, एक स्टिच के अंदर क्या नहीं होता, क्वेश्चन नेगेटिव है तो इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा। स्टिच के अंदर क्या नहीं होता, साइज, टेंशन, डेप्थ या फिर कंसिस्टेंसी, तो इसका आंसर हो जाएगा डेप्थ।
स्टिच के अंदर हमेशा डेप्थ अवेलेबल नहीं होती, लेकिन अगर हम साइज, टेंशन और कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये तीनों की तीनों चीजें हमें स्टिच के अंदर मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3। कटन सिल्क इज एन अनब्लीच सिल्क, एक स्टेटमेंट दी गई है कटन सिल्क के बारे में कि वो अनब्लीच सिल्क है। कटन सिल्क के बारे में मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स बता दूं। एक तो वो बनारसी साड़ी में यूज होता है, काफी फाइन है, लस्टरस सिल्क होता है। तो उसके लिए ऑप्शंस है ट्रू, फॉल्स, नॉट रिलेटेड या फिर एब्सर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सर्ड। ये स्टेटमेंट कटन सिल्क और अनब्लीच सिल्क का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये इररिलेवेंट है, स्टेटमेंट है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एब्सर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, चीफ गाइड इन द सिलेक्शन ऑफ फूड इन द पास्ट। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट गाइड क्या रही थी या क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसके बेसिस पे हम फूड का सिलेक्शन करते थे पास्ट में। कस्टम, हैबिट, एपिटाइट या फिर ऑल। कस्टम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ और साउथ इंडियन का कस्टम है, नॉर्थ इंडियन की स्टेपल डाइट चपाती या रोटी है, साउथ इंडियंस राइस या फिर इडली सांभर वड़ा पे ज्यादा वो होते हैं, रिलायबल होते हैं। हैबिट की बात करें तो आपको क्या खाना ना खाना पसंद है। एपिटाइट होती है आपकी सेटाइटी वैल्यू, कि आपको खाना खाने के बाद सेटिस्फैक्शन लेवल फील होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है ऑल। ऑल का मतलब हो गया कि ऊपर के दिए गए सारे के सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। ऑल का मतलब हो गया कि आपका कस्टम, हैबिट या फिर एपिटाइट, तीनों ही फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 5। केराटिन इन द बॉडी चेंजेस इनटू विटामिन ए इन द। आप सब जानते हैं केराटिन जो होता है वो प्लांट सोर्सेज से मिलता है और वो विटामिन ए का बहुत ही बड़ा सोर्स है, जिस जो हमें प्लांट बेस्ड फूड से मिलता है। हमारी बॉडी के अंदर कौन से बॉडी ऑर्गन में केराटिन विटामिन ए में चेंज होता है, पैनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर या फिर इंटेस्टाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिवर। लिवर के अंदर केराटिन जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6। दिस कंटेन कंबाइंस विद आयरन टू प्रोड्यूस हेमोग्लोबिन इन द बॉडी। ये एक ऐसा मिनरल है जो आयरन के साथ कंबाइन कर जाता है हमारी बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन डेवलप करने में। जिंक, सल्फर, सोडियम या फिर कॉपर। हेमोग्लोबिन के बारे में एक चीज बता दूं, प्रोटीन प्लस आयरन का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फूड रिसर्च लैब एट कन्नौर इन द साउथ कंडक्टेड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन। एक लैब है फूड रिसर्च लैब कन्नौर के अंदर साउथ में, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे हैं फूड आइटम पे। तो वो क्या आंसर है, पीस, पल्सेस, सोयाबीन या फिर सीरियल्स। देखिए इससे एस से साउथ, एस से सोयाबीन, तो सोयाबीन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द बॉडी। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होता है, लिवर एंड मसल, किडनी एंड टीथ, कार्ब एंड लिपिड या फिर ऑल द अबव। किडनी एंड टीथ, कार्ब्स एंड लिपिड्स या फिर इनकी बात करें तो इनमें कभी भी ग्लाइकोजन स्टोर नहीं होता। और ऑल द अबव ऑब्वियसली इनकरेक्ट आंसर है, जब दो ही गलत है तो क्या बच गया आपका, लिवर एंड मसल। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज हो सकता था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ल्यूसीन इज एन, ल्यूसीन क्या है, एक असेंशियल फैट अमाइनो एसिड है, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है, लिपिड है या कार्ब है। तो इसका आंसर हो जाएगा असेंशियल अमाइनो एसिड। ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ये सब जो है ये असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। फाइनोडर्मा इज अ डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ। फाइनोडर्मा को टोड स्किन भी कहा जाता है, वो किसकी वजह से होता है, कौन सा मिनरल आप कंज्यूम नहीं करते जिसकी वजह से फाइनोडर्मा हो जाता है। असेंशियल अमाइनो एसिड्स, असेंशियल फैटी एसिड्स, विटामिन ई या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असेंशियल फैटी एसिड्स। जब भी हम अपनी बॉडी के अंदर असेंशियल फैटी एसिड्स कंज्यूम नहीं करते उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर फाइनोडर्मा या फिर टोड स्किन नाम की डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा हो। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक टुडेज सेशन एंड इट वॉज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। So kindly share the channel and subscribe it for more videos like this, and I hope these videos will help you to prepare your future goal and to accomplish your dreams. So we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye-bye.
Hello friends, welcome to my channel Home Science Insights. So in today's video, we will be having a discussion about the most important questions which were previously seen in DSSSB TGT domestic science exam. So if you want to be a government teacher or you want to work in government school, you can like, share and subscribe my channel for more information. And now without wasting our time, let us quickly move to the series of questions. Question number one, which of the following is not a characteristic of young children's understanding of themselves? Isme se aisa kaun sa characteristic feature hai jo younger children ki understanding apne bare mein nahi batata hai? Option A, they describe themselves in terms of things we can do. Wo apne aap ko aise describe karte hain jisse ki wo jo jo cheeze wo kar sakte hain, they describe themselves in that terms. Option B, their self descriptions are not in concrete terms. Unke bare mein diye gaye descriptions unke bare mein concrete nahi hote. Option C, they use physical descriptions of their self or material possessions to differentiate themselves from others. Wo apne aap ko dusre se differentiate karne ke liye apne physical descriptions ko use karte hain about their self ya fir material possessions. Option D, they often overestimate themselves. Wo apne aap ko apni khud ki capability se zyada analyze karte hain. So the correct answer is option B. Unka self description are not in concrete terms. Let us quickly move to question number 2. Question 2, which of the following is found in higher amount in fast food? Inme se aisa kaun sa nutrient hai jo higher amount mein paya jata hai fast foods ke andar? Option A, zinc. B, potassium. C, iron. And D, sodium. So the correct answer is D, sodium. This is the highest amount of nutrient which is found in fast food. Let us quickly move to question number 3. Which of the following is incorrect with respect to healthy nutrition for elderly people? Isme se aisi kaun si statement di gayi hai jo galat hai about healthy nutrition for elderly people? Option A, give preference to foods that contain fiber. Kya unhe preference deni chahiye jo foods mein fiber hota hai? Option B, avoid sugars. They should avoid sugars. Option C, increase fat intake. Unhe fat intake zyada khana chahiye. Option D, give preference to food that contains less salt. उन्हें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें नमक की मात्रा कम होती है. तो the correct answer is option C, increase fat intake. हमेशा elderly people should have less amount of fat in their diet. Let's quickly move to question number 4. Which of the following is at the top of food guide pyramid for older adults? इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसका top food guide pyramid में होना ओल्डर एडल्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ए मिल्क, बी वाटर, सी ग्रेन्स या डी फैट. सो द करेक्ट आंसर इज डी फैट. फैट जो है वो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है इन द फूड गाइड पिरामिड फॉर ओल्डर एडल्ट्स. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. फीमेल नीड मोर डैश ड्यू टू ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंसुरेशन. तो मेंसुरेशन के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे फीमेल को कौन सा न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जो कि उनके ब्लड लॉस में चला जाता है? ऑप्शन ए आयरन, बी सोडियम, सी कैल्शियम, डी जिंक. सो द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली आयरन. सो द ए आंसर इज करेक्ट. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज. ऐसी क्षमता जिससे आप नॉलेज को एक्वायर करते हैं, गेन करते हैं और उसके बाद उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? ए पर्सनालिटी, बी एप्टीट्यूड, सी इंटेलिजेंस या डी एटीट्यूड. सो द करेक्ट आंसर इज सी इंटेलिजेंस. आप अपने काम करने की क्षमता को एक्वायर करते हैं, उसी के बाद आप उस नॉलेज को किसी भी काम को यूज करने में अप्लाई करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज सी इंटेलिजेंस. क्वेश्चन नंबर 7. Rickets and osteopenia disorders are due to the shortage of. Rickets and osteopenia disorders जो होते हैं ये किस विटामिन की शॉर्टेज से होते हैं? सो ऑप्शन ए इज आयरन एंड फॉस्फेट, बी विटामिन डी एंड कैल्शियम, ऑप्शन सी प्रोटीन्स एंड फैट्स, ऑप्शन डी विटामिन ए एंड जिंक. सो द करेक्ट आंसर इज विटामिन डी एंड कैल्शियम. Osteomalacia is also seen in adults which is due to vitamin D deficiency. Let us quickly move to question number 8. Which of the following disorder is related to body image distortion that is seen in adolescents? Adolescents ke time pe 14 saal se bade bacche ke andar ye disorders paaye jaate hain jo ki unki body image ke bare mein hote hain. So what is the correct answer or what is the name of that body image disorder?
ए बाइपोलर डिसऑर्डर, बी ऑटिज्म, सी एनोरेक्सिया नर्वोसा, डी क्रोहन्स डिजीज। सो द करेक्ट आंसर इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसका एक आंसर और भी हो सकता है, बुलिमिया नर्वोसा। सो दीज बोथ डिसऑर्डर्स आर सीन इन एडोलेसेंस विच आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर देम बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसमें से कौन से वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ए। सो द करेक्ट आंसर इज विटामिन सी। जितने भी विटामिन सी एंड बी विटामिन होते हैं, दे आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। एंड फॉर योर मोर इन्फॉर्मेशन, फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। लेट्स क्विकली मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Which of the following is incorrect regarding diet-related behavior during adolescence? इसमें से ऐसा कौन सा diet-related behavior है जो adolescence के लिए गलत नाम माना जाता है? Option A, one must try not to skip meals. हमें अपने meals को skip नहीं करना चाहिए। Option B, eat one balanced meals of average size each day plus three nutritious snacks. Option C, drinking four glasses of water each day, especially before meals, is a good habit. Option D, eat three balanced meals of average size each day plus two nutritious snack. So the correct answer is option B. हमें एक balanced meal और three nutritious snacks को नहीं खाना चाहिए। You have to tell the incorrect answer. बाकी सारी habits correct answer है, but the option B is incorrect. So for more information, let us like, share and subscribe our channel Home Science Insights so that we can have the next video in the upcoming. Hello friends, welcome to my channel Home Science Insights. So as you already know, we have started the preparation for DSSSB-TGT domestic science exam to be conducted in 2023. So there were most important question series, which is really important from exam point of view. We have already discussed few of the questions in the previous video. So if you have not checked the video, kindly go and check the video. Now let us quickly move to next section, that is the next series. So if you want to crack DSSSB-TGT domestic science exam, kindly give a like, share and subscribe the channel for more information. Without wasting our time, let us quickly move to question number 1. Which of the following enzyme helps in digestion of fat? Isme se kaun sa enzyme hai jo digestion of fat mein help karta hai? A pepsin, B lipase, C amylase, D trypsin. So the correct answer is B, lipase. Lipase ऐसा enzyme है जो digestion of fats में help करता है. Let's quickly move to question number 2. Shearing is a process of. Shearing किस process को कहा जाता है? A, rearing of silkworm. B, dyeing the silk. C, cultivation of cotton. D, removal of wool from a sheep. तो shearing process जो होती है, उसमें हम wool को sheep के ऊपर से निकालते हैं, उसे remove करते हैं wool को. Next, quickly come to question number 3. Which of the following standards is used to certify the purity of gold in India? A, ISI, B, EGMARK, C, Hallmark, D, FPO. So the correct answer is C, Hallmark. As you can see in the photograph, there is a symbol used for Hallmark. So this kind of symbol is present in the jewelry which are certified in India. Let us quickly move to question number 4. Which of the following statement is incorrect? A, gender is a social construct. B, gender is a biological entity. C, gender give rise to gender roles which are found to be approximately related to a particular sex. D, gender is a femininity or masculinity that forms the basis of discrimination. So, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी statement जो given है gender के बारे में, that is incorrect. So, absolutely the correct answer is gender is a biological entity. हमारा gender हमारे पैदा होने पे define नहीं किया जाता. Let us quickly come to question number 5. Which of the following statement is incorrect? आपको इसमें से गलत statement का चुनाव करना है. Option A, development is a quantitative process. Development quantity में होती है. Second part, development is a qualitative process. Development जो होती है वो qualitative process होती है. Option C, education is a goal-oriented process. And option D, growth is a biological process. तो इसमें से जो incorrect statement है, that is development is a quantitative process. Always remember that development is a qualitative process. Let us quickly move to question number 6.
Which of the following is a non-perishable food? इसमें से ऐसा कौन सा खाना है जो non-perishable है, मतलब जो कि लंबे समय तक चल सकता है, जो लंबे समय तक स्टोर करा जा सकता है, जो खराब नहीं होता. ऑप्शन ए मिल्क, बी ऑयल सीड्स, सी मीट एंड डी अनियंस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑयल सीड्स. बाकी जितने भी इसमें फूड प्रोडक्ट्स मेंशन हैं, ये जल्दी खराब हो जाते हैं, विच आर कंसिडर्ड इन अ पेरिशेबल आइटम. लेट अस क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू ए फिजिकल चेंजेस इन द साइज, स्ट्रक्चर एंड प्रपोर्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बी एमरजेंस ऑफ थिंकिंग कैपेबिलिटीज, सी development of the sensory capabilities of vision, hearing, smell, touch and taste, D control over body movements which results in increasing coordination various parts of the body. So the correct answer is B, emergence of thinking capabilities. Always remember that cognitive development refers to mental capacities, mental skills. Question number 8, what type of diets are prescribed for the elderly people having kidney and chewing problems respectively? Inme se koi bhi agar ek bimari unne hoti hai, kidney problem hai ya chewing problem hai, to aap kis tarike ki diet elderly ko recommend kare? ऑप्शन ए लो प्रोटीन डाइट एंड लिक्विड डाइट. क्या आप उसे लो प्रोटीन डाइट और लिक्विड डाइट पर रखेंगे? ऑप्शन बी हाई प्रोटीन डाइट एंड सॉलिड डाइट. विल यू प्रोवाइड हाई प्रोटीन एंड सॉलिड डाइट टू द एल्डरली? ऑप्शन सी हाई प्रोटीन डाइट एंड लिक्विड डाइट, और ऑप्शन डी लो प्रोटीन डाइट एंड मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट when a patient is suffering from kidney or chewing problems, we always give low protein to the elderly. So the correct answer is low protein diet and mechanical soft diet. Let us quickly move to question number 9. Which of the following pair is incorrect? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा pair है जो incorrect है. Vitamin A retinol, vitamin B1 is thiamine, vitamin E tocopherol, vitamin B6 cholecalciferol. So आपको बताना है कि इसमें से कौन सा pair है which is incorrect. So the correct answer is vitamin B6 cholecalciferol. These combinations are not correct. Let us quickly move to question number 10. That is the last question of today's series. Which of the following statement is incorrect? इसमें से कौन सी statement है जो बच्चे और children के बारे में दी गई है जो कि गलत है? Option A, children are the property of their parents. क्या children अपने parents की property होते हैं? Option B, children have their own rights. क्या बच्चों के अपने rights होते हैं? Option C, children are not helpless objects of charity. बच्चे कोई भी helpless objects नहीं होते charity का. Option D, children are not the property of their parents. बच्चे अपने parents की property नहीं होते. So all the statements are correct here, but option A, children are the property of their parents. बच्चे अपने माँबाप की property होते हैं. This statement is incorrect. So here we end the video for today. If you like the video, kindly like, share and subscribe the channel and recommend to all the home science lovers for better knowledge and understanding. Let's meet up in the next video. Okay, take care. Bye-bye. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स. मैं आप सभी का अपने चैनल होम साइंस इनसाइट्स में स्वागत करती हूं. सो इफ यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर DSSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम, काइंडली गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल होम साइंस इनसाइट्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड करंट अपडेट्स. So we have already started with few important questions which were covered in previous series. Now today, in today's video, I have brought a new question of series which are really important from exam point of view. These questions will help you to cover and prepare for the future. Let us quickly move to question number 1. Which of the following is incorrect? इसमें से आपको गलत statement का चुनाव करना है. चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी स्टाइल ओरिजिनेटेड इन यूपी. क्या चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी स्टाइल यूपी से आया है? बी कसूती एम्ब्रॉयडरी स्टाइल ओरिजिनेटेड इन केरला. क्या कसूती एम्ब्रॉयडरी स्टाइल ओरिजिनेट हुआ है केरला में? सी कांथा एम्ब्रॉयडरी स्टाइल ओरिजिनेटेड इन वेस्ट बंगाल. कांथा एम्ब्रॉयडरी स्टाइल हमारे पास वेस्ट बंगाल से आया है. एंड डी चंबा रूमल इज इन एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. चंबा रूमल एम्ब्रॉयडरी हिमाचल प्रदेश से आया है. सो द करेक्ट आंसर इज बी
कसूती एम्ब्रॉयडरी स्टाइल ओरिजिनेटेड इन केरला, ये स्टेटमेंट गलत है. कसूती एम्ब्रॉयडरी स्टाइल हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम कर्नाटका. लेट अस क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर टू. फुलकारी इज एन एम्ब्रॉयडरी स्टाइल विच ओरिजिनेटेड इन डैश. फुलकारी एक एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है जो बहुत फेमस है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ए केरला, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश या डी पंजाब. सो द करेक्ट आंसर इज डी पंजाब. जो फुलकारी दुपट्टा है, फुलकारी स्टाइल्स हैं विच आर रियली कॉमन इन फीमेल्स, ये बहुत सुंदर माने जाते हैं. सो ये ओरिजिनेट हुआ है पंजाब से. लेट अस क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है? नॉन वर्बल जेस्टर्स जो होते हैं, बेसिकली ये हम बिना बोले यूज करते हैं. ऑप्शन ए स्माइलिंग टू शो हैप्पीनेस. क्या आप किसी को देख के स्माइल कर रहे हैं ताकि आप अपना हैप्पीनेस शो कर सकें? रेजिंग अ हैंड टू ग्रीट, आपने अपना हाथ उठाया किसी से मिलने के लिए, किसी को ग्रीट करने के लिए. ऑप्शन सी फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, क्या आप किसी से फेस टू फेस बातचीत कर रहे हैं? ऑप्शन डी मेकिंग अ सैड फेस व्हेन अपसेट, आप एक सैड फेस बना रहे हैं जब आप अपसेट हैं. बेसिकली ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन इन ए बी डी दे ऑल आर जेस्टर्स, ठीक है? सो दे आर ऑल कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टाइल्स, बट ऑप्शन सी नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. किसी से फेस टू फेस बात करना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं आता. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर फोर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेजिस्ट प्रिंटिंग स्टाइल. इसमें से कौन सा रेजिस्ट प्रिंटिंग स्टाइल का एग्जाम्पल है? ए बाटिक, बी रोलर, सी स्क्रीन या डी स्टेंसिल. सो इन चारों एग्जाम्पल्स ऑप्शंस जो गिवन है, ये सब टाइप जो है ये प्रिंटिंग स्टाइल्स हैं, बट ऑप्शन ए बाटिक ये रेजिस्ट प्रिंटिंग का एग्जाम्पल है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिस्ट प्रिंटिंग स्टाइल. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट टाई एंड डाई, बाटिक, दीज बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिस्ट प्रिंटिंग. फाइव. सो लेट अस क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर. रेड रिबन एक्सप्रेस was a nationwide communication campaign for generating awareness about dash. Red Ribbon Express एक nationwide communication campaign है जो किसके बारे में awareness generate करता out of the following options. Option A, goiter disease. Option B, HIV AIDS. Option C, tuberculosis. Option D, COVID-19 virus. So the correct answer is HIV AIDS. जो ये कैंपेन है ये जनरेट करता है अवेयरनेस अबाउट HIV AIDS. गोइटर, ट्यूबरक्लोसिस एंड COVID-19 आर रॉन्ग ऑप्शंस, इनकरेक्ट ऑप्शंस. लेट अस क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स. एन एडवर्टिजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ. एडवर्टिजमेंट जो है वो किसका एग्जांपल है? ए पब्लिक अनाउंसमेंट, बी इनविटेशन, सी प्राइवेट अनाउंसमेंट, डी पर्सनल अनाउंसमेंट. ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेनेवर वी एडवर्टाइज समथिंग इट इज कॉल्ड एज पब्लिक अनाउंसमेंट. उसे पब्लिकली अनाउंस किया जाता है तभी हम उसे एडवर्टाइजमेंट कंसिडर करते हैं. प्राइवेट, पर्सनल एंड इनविटेशन आर नॉट द एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. लेट अस क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अफेक्टेड ड्यूरिंग केरेटोमलेशिया. इसमें से कौन सा ऐसा आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है जो केरेटोमलेशिया डिजीज के अकॉर्डिंग अफेक्ट होता है? ऑप्शन ए स्किन, बी लंग्स, सी हार्ट, डी आईज. सो द करेक्ट आंसर इज डी आईज. केरेटोमलेशिया इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आईज. लेट अस क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर एट. विच ऑफ द फॉलो इज नॉट यूज टू प्रिवेंट फूड स्पॉयलेज. इसमें से कौन सा तरीका है जिससे हम फूड स्पॉयलेज को रोक नहीं सकते? ए लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज. क्या हम टेम्परेचर कम कर दें जब भी हम चीजों को स्टोर करते हैं? बी एडिशन ऑफ वॉटर मॉइस्चर. क्या वॉटर जब भी पेनिट्रेट हो जाता है किसी भी फूड प्रोडक्ट में तो क्या वो फूड स्पॉयलेज को प्रिवेंट कर सकता है? ऑप्शन सी रिडक्शन ऑफ पीएच. पीएच का लेवल रिड्यूस करके क्या हम फूड स्पॉयलेज को प्रिवेंट कर सकते हैं? एंड ऑप्शन डी एप्लीकेशन ऑफ हीट. अगर हम कोई भी चीज को हीट के एप्लीकेशन में लेके आते हैं या फिर हम उसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं किसी भी मोड ऑफ मेथड से, तो वो फूड स्पॉयलेज को प्रिवेंट करता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन.
एडिशन ऑफ वाटर मॉइस्चर. कभी भी अगर फूड प्रोडक्ट्स के अंदर वाटर पेनिट्रेट हो जाता है तो समवेयर वो फूड स्पॉइलेज का रीजन बन सकता है और उससे आप फूड स्पॉइलेज प्रिवेंट नहीं कर सकते. लेट अस क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. डिसलेक्सिया इज अ डैश. डिसलेक्सिया क्या है? ऑप्शन ए ब्लाइंडनेस, जिसमें आप देख ना सकें. ऑप्शन बी हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसमें आप सुन ना सकें. ऑप्शन सी रीडिंग डिसऑर्डर, क्या आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हुए. एंड ऑप्शन डी मेंटल डिसऑर्डर, क्या आपके ब्रेन में कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है. सो द करेक्ट आंसर इज रीडिंग डिसऑर्डर. डिसलेक्सिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर विच इज मोस्टली फाउंड इन चिल्ड्रेन. लेट अस क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सीरीज. हिडन हंगर इज डैश. हिडन हंगर किसको कहा जाता है? ए डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन डाइट, क्या आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम है. बी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन डाइट, आप प्रोटीन्स कम ले रहे हैं. ऑप्शन सी डेफिशिएंसी ऑफ फ्रूट्स इन डाइट, आपकी मात्रा आपके डाइट में फ्रूट्स की मात्रा बहुत कम है. ऑप्शन डी डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट, जो आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उसकी डेफिशिएंसी है या वो आप कम ले रहे हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिडन हंगर इनसाइड ह्यूमन बॉडी. सो इफ यू लाइक टुडेज सीरीज, टुडेज क्वेश्चंस, काइंडली गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. ऑल्सो I would love if you will practice all these questions so that it will help you in exam. So we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye-bye. Hello friends, welcome to my channel Home Science Insights. So if you are also preparing for DSSSB-TGT domestic science exam, kindly subscribe, like and share the channel for more updates and information. So we have already started with series of questions. Now let us quickly move to the new series which I have prepared for all of you. Without wasting our time, let us quickly move to question number 1. Which of the following is correct regarding the 3 P's of public speaking? Aapko batana hai ki 3 P's of public speaking का क्या मीनिंग होता है और P stands for what? ऑप्शन ए परफॉर्म पैशन प्रिपेयर, ऑप्शन बी परफॉर्म प्रिपेयर प्रैक्टिस, ऑप्शन परफॉर्म प्रैक्टिस पैशन, ऑप्शन डी परसेप्शन प्रैक्टिस पैशन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी परफॉर्म प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस. दीज आर द 3 things विच आर रियली इंपॉर्टेंट इन पब्लिक स्पीकिंग. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर. Dash of a fabric can be described in terms of feel, behavior and looks. इसमें ऐसे ऐसी कौन सी चीज है जो फैब्रिक को डिस्क्राइब करता है whenever we feel and we have to check the behavior and how it looks. Option A drape, B strength, C fall, D texture. So the correct answer is D texture. Texture of a fabric is basically used to describe how the fabric feels. So quickly move to question number 3. Which of the following statement is incorrect? आपको इसमें से गलत statement का चुनाव करना है. Option A, green is a primary color. B, yellow is a primary color. C, red is a primary color. D, blue is a primary color. Always remember that the code we use for primary color is BRI. B for blue, R for red and Y for yellow. So the incorrect answer is green is a primary color. It is not a primary color, as if we all know it is a secondary color. Let's move to question number 4. Blue revolution is related to dash. Blue revolution kisse related hai? A sericulture, B floriculture, C horticulture and D pisciculture. So the correct answer is D pisciculture. It's all related to water. Let's quickly come to question number 5. Dash are usually defined as a disposition or tendency to respond positively or negatively towards a certain psychological objects. हमारी ऐसी tendency या हमारी ऐसी क्षमता जिससे हम positive या negative देख सकते हैं किसी भी psychological aspect को या object को. Option A traits, B attitude, C mood swings, D intentions. So the correct answer.
be attitudes. So by this method, or we can say by this way, we can see the objects positively or negatively. Let's quickly come to question number 6. The nutrient requirement of boys and girls remain the same till the age of. Boys and girls ki nutrient requirement kaun si age tak same rehti hai? A 9, B 6, C 12, D 3. So the correct answer is A 9. 9 साल के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता. दे नीड सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. अर्गोनॉमिक्स बेसिकली हैज डैश एलिमेंट्स. अर्गोनॉमिक्स क्या है और अर्गोनॉमिक्स के कितने एलिमेंट्स होते हैं? ऑप्शन ए 9, बी 7, सी 3, डी 2. सो द करेक्ट आंसर इज सी 3. अर्गोनॉमिक्स में 3 एलिमेंट्स होते हैं विच आर रियली important. Let's quickly move to question number 8. Which light is more effective for photosynthesis? Isme se kaun si light hai jo zyada effective hoti hai during photosynthesis? A orange, B green, C violet, D pink. So the correct answer is B green. Let's quickly move to question number 9. Which mineral causes hyperatremia? A calcium, B sodium, C phosphorus and D magnesium. So the correct answer is B sodium. Let's quickly move to the last question of the series, question number 10. The bakery and confectionery food industries should widely use hydrogenated fats because jo bakery aur confectionery food industries hoti hai wahan pe hydrogenated fats ka use kyun kiya jata hai? A it's cheap in cost, sasta hai. B it can be reused, dobara reuse ho sakta hai. C is easily available, bahut jaldi mil jata hai. And D increases flavor. So the correct answer is D increases flavor. Always remember that hydrogenated fats are repeatedly used because they enhance the flavor in the food products. So this is for today. So we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स. मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं. सो इफ यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर DSSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू प्रिपेयर हार्ड फॉर दैट एग्जाम सो दैट यू कैन क्रैक इट, यू जस्ट नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन एज वेल. So let's follow the video which I have recorded for all of you. Here I have bought a new series of questions for all of you. This is my channel link. You can click on the YouTube channel and you can check out all the videos which are made specially for all of you. They all are free of cost. I have also prepared some shorts so that you can have a lot of information about current topics or related to home science for better knowledge and understanding. So I am also on Telegram. You can follow me on Telegram channel. So now let's quickly start today's series of questions. Question number 7. Which of the following options are determined by parental education, occupation and income? इसमें से कौन से options में से एक correct option का चुनाव आपको करना है, जिससे आप parent की education के बारे में, उनकी occupation क्या है और उनके घर में income कितनी है, उसके बारे में determine कर सकते हैं. Option A, socio-economic status. B, ascribed status. C, wealth status. And D, fame status. So the correct answer is socio-economic status. Socio-economic status of the family से ही आप किसी की parent की education, occupation या फिर उनकी income के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं. Let us quickly move to question number 8. Select the correct option consisting of two non-essential amino acids. आपको इसमें से वो option choose करना है जिसमें दो non-essential amino acids हैं. Option A, valine, methionine. B, leucine, isoleucine. C, lysine, tryosine and D, glycine, proline. So the correct answer is D, glycine and proline. So these are the two non-essential amino acids. Let's quickly move to the next question. The push or pull of an object with mass that causes it to change its velocity is known as dash. Agar maine kisi bhi object ko push kiya ya pull kiya, अगर उसके मास में चेंज आता है और उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है उसके मास की वजह से, सो व्हाट इज दैट स्टेटमेंट कॉल्ड? ऑप्शन ए फोर्स, बी ग्रेविटेशन, सी प्रेशर एंड डी मास वेट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फोर्स.
Let's move to question number 10. Parboiling in rice increases which vitamin? Parboiling एक method of cooking है जिससे हम खाना बनाते हैं. So this is one of the method of cooking. इसमें इस method की वजह से कौन सा vitamin increase हो जाता है rice के अंदर? If we cook rice, option A pantothenic acid, option B riboflavin, option C thymine and option D pyridoxin. So the correct answer is option C thymine. Thymine vitamin increase हो जाता है whenever we do parboiling in rice. Let us quickly move to next question. What is the duration of neonatal period? Neonatal period नवजात शिशु की duration क्या होती है? Option first from birth to 14 days. Option two from birth to the end of 1 year. Option three from birth to 28 days and option four from birth to 50 days. So the correct answer is option three from birth to 28 days. बच्चा जब भी पैदा होता है birth से लेकर पूरे 28 days तक वो neonatal period कहलाता है. Let's quickly move to question number 12. How many stages we have in the lifespan of human development? अगर हमारी lifespan of human development देखी जाए तो उसमें कितनी stages होती हैं? Option 1, 5, 2, 4, 3, 3 and 4, 8. So the correct answer is 8. 8 stages देखी जाती हैं lifespan of human development में. Let us quickly move to the next question. Non-modifiable factor that does not influence human growth is, इसमें से ऐसा कौन सा non-modifiable factor है जिसको मैं change नहीं कर सकती, जो human growth को influence नहीं करता? Option A, weather. B, heredity factor. C, exercise and D, diet. So the correct answer is option B, heredity factor. जो genes, जो heredity आपके अंदर होती है, वो non-modifiable factor है, जो human growth को influence नहीं करता, उस पे impact नहीं डालता. Let us quickly move to the next question. Which of the following disease can be caused due to deficiency of vitamin E? Vitamin E अगर आपकी body में कम हो जाती है, तो उसकी वजह से आपकी body में कौन सी disease हो सकती है? Option 1, dysphagia. Option B, infertility. Option 3, asthma. And option 4, diverticulosis. So, answer is option B, infertility. Pregnant होने में या फिर बच्चा पैदा करने में vitamin E deficiency की वजह से problem आ सकती है. This is called infertility. Let's quickly move to the next question. What does growth mean? Growth का मतलब क्या है? इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एग्जाम में आया था व्हाट इज डेवलपमेंट, अब आया है व्हाट इज ग्रोथ. सो दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर DSSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम. लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द क्वेश्चन ऑप्शंस. ऑप्शन ए, ग्रोइंग इमोशनली इंटेलेक्चुअली. आप इमोशनली इंटेलेक्चुअल ग्रो कर रहे हैं. ऑप्शन बी, ग्रोइंग इन फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंज. आपके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है प्लस आपके अंदर फिजियोलॉजिकल ग्रोथ भी है. ऑप्शन सी, ग्रोइंग इन साइज ओनली, सिर्फ आपका साइज बढ़ रहा है. एंड ऑप्शन डी, ग्रोइंग इन अपीयरेंस, सिर्फ आपकी अपीयरेंस चेंज हो रही है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रोइंग इन फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस. लेट अस क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. डार्क ग्रीनिश डिसकलरेशन इन हार्ड बॉइल्ड एग्स इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ. जो एग बॉइल्ड एग होता है उसका जो हार्ड कवरिंग होती है उसके ऊपर एक डार्क ग्रीन कलर की डिसकलरेशन हो जाती है, वो किन दो चीजों के कॉम्बिनेशन से होती है? ऑप्शन ए, सल्फर एंड आयरन. बी, हाइड्रोजन एंड सल्फर. सी, सल्फर एंड ऑक्सीजन. डी, कार्बन एंड ऑक्सीजन. सो द करेक्ट आंसर इज सल्फर एंड आयरन. सल्फर एंड आयरन की वजह से उसमें ग्रीन डिस्कलरेशन जाती है. लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज. फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, डैश इज अ बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर. इसमें से कौन सा ऐसा बाय प्रोडक्ट है जो शुगर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है? ऑप्शन ए, प्लैमरा. ऑप्शन बी, प्रोपोलिस. ऑप्शन सी, मोलासेस. एंड ऑप्शन डी, कॉम्पोटिस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मोलासेस.